ओम शांति। 12 जुलाई 2024 की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें साहेब जादे सो शहजादे बनना है, इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। प्रश्न, किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते? उत्तर, जब तुम अपनी नजर बाप की नजर से मिलाते हो तो नजर मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से सब पाप कट जाते। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा सत्व प्रधान बन जाती, तुम सुखधाम के मालिक बन जाते। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाप फरमाते हैं, शिव भगवान उवाच माना ही, शिव बाबा समझाते, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो, क्योंकि तुम सब ब्रदर्स हो, एक ही बाप के बच्चे हो, एक ही बाप से वर्षा लेना है। हूबहू जैसे 5,000 वर्ष पहले बाप से वर्षा लिया था। आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे। बाप बैठ समझाते हैं, तुम सूर्यवंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बन सकते? मुझे अपने बाप को याद करो। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, ऊंच से ऊंच भगवान एक ही है, उस सच्चे साहिब के बच्चे साहिबजादे हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं, उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। पाप से जब हमारी आंखें मिलती है तो सब दुख दूर हो जाते हैं। आंखें मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। इस योग अग्नि से तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप है वह भस्म हो जाएंगे। यह है ही दुख धाम। सभी नरकवासी है, तुमने बहुत पाप किए हैं। इसको कहा जाता है रावण राज्य। सत्युग को कहा जाता है राम राज्य। तुम ऐसे समझा सकते हो। कल कितनी भी बड़ी सभा बैठी हो, भाषण करने में हर्षा थोड़ी है। तुम तो भगवान उवाच कहते रहते हो। शिव भगवान उवाच, हम सब आत्माएं उनकी संतान हैं, ब्रदर्स हैं। बाकी श्री कृष्ण को कोई संतान थे ऐसे नहीं, बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थे ऐसे नहीं कहेंगे। न इतनी रानियां ही थी। श्री कृष्ण का तो जब स्वयंवर होता है नाम ही बदल जाता है। हाँ, ऐसे कहेंगे लक्ष्मी नारायण के बच्चे थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तब एक बच्चा होता है, फिर उनकी डिनास्टी चलती है। तुम बच्चों को अब माम एकम याद करना है। यह के सब धर्म छोड़ो, बाप को याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, सत्व प्रधान बन स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में कोई दुख होता नहीं, नर्क में अतः दुख, सुख का नाम निशान नहीं। ऐसे युक्ति से बतलाना चाहिए। शिव भगवान उवाच, हे बच्चों, इस समय तुम आत्माएं पतित हो, अब पावन कैसे बनो? मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ। पावन होते ही है सत्युग में, पतित होते हैं कलयुग में। कलयुग के बाद फिर सत्युग जरूर बनना। नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना।
ब्रह्मा कुमार कुमारियां एडॉप्टेड चिल्ड्रन है। हम हैं ब्राह्मण छोटी, विराट रूप भी है ना। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े, ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, देवताएं हैं ही सतयुग में। सतयुग में सदा सुख है, दुख का नाम नहीं। कलयुग में अपरम अपार दुख, सब दुखी है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको दुख ना हो। यह है रावण राज्य। ये रावण भारत का नंबर वन दुश्मन। हर एक में पांच विकार है, सतयुग में कोई विकार नहीं होते। यह पवित्र गृहस्थ धर्म। अभी तो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं, और भी गिरने हैं। ये इतने बॉम्ब शादी बनाते रहते हैं, रखने के लिए थोड़ी है। बहुत रिफाइन कर रहे हैं, फिर रिहर्सल होगी, फिर फाइनल होगी। अभी समय बहुत थोड़ा है। अंडरलाइन, ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होगा ना। पहले पहले शिव बाबा का ज्ञान होना चाहिए। कुछ भी भाषण आदि शुरू करते हो तो हमेशा पहले पहले शिवाय नमः, क्योंकि शिव बाबा की जो महिमा है वह और कोई की नहीं हो सकती। शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। श्री कृष्ण के चरित्र आदि कुछ है नहीं। सतयुग में तो छोटे बच्चे भी सतु प्रधान ही होते हैं। बच्चों में कोई चंचलता आदि नहीं होती। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं मक्खन खाते थे, ये करते थे, ये तो महिमा के बदले और ही ग्लानी करते। कितना खुशी में आकर कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, तेरे में भी है मेरे में भी है। ये बड़ी भारी ग्लानी, परंतु तमोप्रधान मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वह निराकार बाप जिनका नाम ही है कल्याणकारी शिव, सर्व का सदगति दाता। वह निराकार बाप सुख का सागर, शांति का सागर है। अब इतना दुख क्यों होता है? क्योंकि रावण राज्य है। रावण है सबका दुश्मन, उसको मारते भी है परंतु मरता नहीं। यहाँ कोई एक दुख नहीं है, अपरम अपार दुख है। सतयुग में है अपरम अपार सुख। 5000 वर्ष पहले बेहद बाप के बच्चे बने थे और ये वर्षा बाप से लिया था। शिव बाबा आते हैं जरूर, कुछ तो आकर करते हैं ना, एक्यूरेट करते हैं, तब तो महिमा गाई जाती है। शिवरात्रि भी कहते हैं, फिर है श्री कृष्ण की रात्रि। अब बाबा कहते हैं, अब शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि ही समझना चाहिए। शिव तो आते ही है बेहद की रात में। श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, न कि रात्रि को। शिव की रात्रि मनाते हैं परंतु उनकी कोई तिथि तारीख नहीं। श्री कृष्ण का जन्म होता है अमृत वेले। अमृत वेला सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। वो लोग श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते हैं, परंतु वह प्रभात तो हुई नहीं। प्रभात सवेरे 2-3 बजे को कहा जाता है, जबकि स्मरण भी कर सके। ऐसे थोड़ी 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम भी लेते हो। बिल्कुल नहीं, अमृत वेला 12 बजे को नहीं कहा जाता। उस समय तो मनुष्य पतित गंदे होते हैं, वायुमंडल ही सारा खराब होता है। 2:30 बजे थोड़े ही कोई उठता है। 3-4 बजे का समय अमृत वेला है। उस समय उठकर मनुष्य भक्ति करते हैं। ये टाइम तो मनुष्यों ने बनाए, परंतु वह कोई समय है नहीं। तो तुम श्री कृष्ण की वेला निकाल सकते हो, शिव की वेला कुछ भी नहीं निकाल सकते। ये तो खुद ही आकर समझाते हैं।
पहले पहले महिमा बतानी है शिव बाबा की। गीत पिछाड़ी में नहीं पहले बजाना चाहिए। शिव बाबा सबसे मीठा बाबा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। आज से 5000 वर्ष पहले ये श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस, वहां अपरम अपार सुख थे, अभी भी स्वर्ग का गायन करते रहते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्ग गया, अरे अभी तो नरक है। स्वर्ग हो तो स्वर्ग में पुनर्जन्म ले सके। समझाना चाहिए, हमारे पास तो इतने वर्षों का अनुभव है, पर सिर्फ 15 मिनट में तो नहीं समझा सकते, इसमें तो टाइम चाहिए। पहले पहले तो 1 सेकंड की बात सुनाते। बेहद का बाप जो दुख करता सुख करता है उनका परिचय देते हैं। हम सब आत्माओं का बाप है, हम भी के सब शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं तुम सब भाई भाई हो, तुम्हारा बाप हूँ मैं। 5000 वर्ष पहले आया था, तब तो शिव जयंती मनाते हो। स्वर्ग में कुछ मनाया नहीं जाता, शिव जयंती होती है जिसका फिर भक्ति मार्ग में यादगार मनाया जाता है। ये गीता एपिसोड चल रहा है, नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा। अब इस पुरानी दुनिया का वायुमंडल तो तुम देख रहे हो, इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है, इसलिए कहते हैं पावन दुनिया में ले चलो। अतः दुख है, लड़ाई, मौत, पापना, जीवघात करना। सतयुग में तो अपार सुखों का राज्य था, एम ऑब्जेक्ट का चित्र तो जरूर वहां ले जाना चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, 5000 वर्ष की बात सुनाते हैं। इन्होंने कैसे ये जन्म पाया, कौन से कर्म किए जो ये बने, कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, हाँ तो रावण राज्य होने कारण कर्म विकर्म बन जाते हैं, इसलिए इसको पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। लेन देन भी पाप आत्माओं से ही है, पेट में ही बच्चा होता है तो सगाई कर देते हैं। कितनी क्रिमिनल दृष्टि है, यहाँ है ही क्रिमिनल आईज। सतयुग को कहा जाता है सिविल आईज, यहाँ आंखें बहुत पाप करती है, कहते क्रिमिनलाइज। वहां कोई पाप नहीं करते सतयुग में। सतयुग से लेकर कलयुग तक हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये तो जानना चाहिए ना। सुख धाम क्यों कहा जाता है, सारा मदार है पतित और पावन होने पर, इसलिए कहते हैं काम महाशत्रु है, इसको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। आधा कल पवित्र दुनिया थी जिसमें श्रेष्ठ देवता थे, अब तो भ्रष्टाचारी है। एक तरफ कहते भी है ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, फिर सबको श्री श्री कहते रहते, जो आता है वह बोल देते हैं। ये सब समझना है, अब तो मौत सामने खड़ा है। पाप कहते हैं माम एकम याद करो तो पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, सुखधाम के मालिक बनेंगे। अभी तो है ही दुख, इतना भी वो लोग कॉन्फ्रेंस करे, संगठन करे, परंतु इनसे कुछ होना नहीं। सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं, आप अपना कार्य अपने बच्चों द्वारा कर रहे। तुमने पुकारा है पतित पावन आओ, मैं अपने समय पर आया हूं। यदा यदा ही धर्मस्य का अर्थ भी नहीं जानते, बुलाते हैं तो जरूर खुद पतित है। बाप कहते हैं रावण ने तुमको पतित बनाया है, अब मैं पावन बनाने आया हूं। वो पावन दुनिया थी,
अपतित है, अपतित है। पांच विकार सब में है, अप्रम अपार दुख है, सब तरफ अशांति ही अशांति। जब तुम बिल्कुल तमो प्रधान पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आता हूँ, जो मुझे सर्वव्यापी कह मेरा उपकार करते हैं ऐसे ऐसे का भी मैं उपकार करने आता हूँ। मुझे तुम निमंत्रण देते हो कि इस पतित रावण की दुनिया में आओ, पतित शरीर में आओ। मुझे भी रथ तो चाहिए न? पावन रथ तो चाहिए नहीं, रावण राज्य में है ही पतित, पावन कोई है नहीं। सब विकार से ही पैदा होते हैं, ये विशियस वर्ल्ड है, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? पतित पावन तो मैं हूं, मेरे साथ योग लगाओ। भारत का प्राचीन राजयोग यह है, आएंगे भी जरूर गृहस्थ मार्ग में। कैसे वायुमंडल रीति आते हैं, वह कहते कैसे वंडरफुल रीति आते हैं। ये पिता भी है, विश्व बाबा अपनी बात सुनाते हैं, कैसे वंडरफुल रीति आते हैं। ये पिता भी है तो माँ भी है, क्योंकि गौमुख चाहिए जिससे अमृत निकले, तो ये माता पिता है। फिर माताओं को संभालने के लिए सरस्वती को हेड रखा है, उनको कहा जाता है जगत अम्बा। ब्रह्मा बाबा अलौकिक पिता भी, और क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से ज्ञान देके हमें अडॉप्ट किया तो माँ भी हुए। बाबा कहते हैं सरस्वती को हेड रखा है जगत अम्बा के रूप। काली माता कहते हैं, ऐसे काले कोई शरीर होते हैं क्या? श्री कृष्ण को काला कर दिया है क्योंकि कामचिता पर चढ़ काले बन गए हैं। श्री कृष्ण ही सावरा फिर गोरा बनता है। इन सब बातों को समझने लिए भी टाइम चाहिए। फोटो में कोई कोई में भी कोई की बुद्धि में बैठता होगा, क्योंकि सभी में पांच विकार प्रवेश है। तुम ये बात सभा में भी समझा सकते हो, क्योंकि कोई को भी बोलने का हक है। ऐसा मौका लेना चाहिए। ऑफिशियल सभा में कोई बीच में प्रश्न आदि नहीं करते। नहीं सुनना है तो शांति से चले जाओ, आवाज न करो, ऐसे ऐसे बैठ समझाओ। अभी तो अपार दुख है, दुख के पहाड़ गिरने हैं। हम बाप को रचना को जानते हैं, तुम तो किसको भी ऑक्यूपेशन, तुम तो किसका भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते हो। बाप ने भारत को पैराडाइज कब और कैसे बनाया था ये तुम नहीं जानते हो। आओ तो समझाए। 84 जन्म कैसे लेते हैं? 7 दिन का कोर्स लो तो तुमको 21 जन्म के लिए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है वह बुद्धि में रख पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। दूसरा, श्रीमत पर अपना बुद्धियोग एक बाप से लगाना है, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, दुखधाम को सुखधाम बनाने के लिए पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। आज का मीठा प्रदान, नॉलेजफुल बन सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। आज का सुमान, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। जब कोई विघ्न आते हैं तो क्योंकि अनेक प्रश्नों में चले जाते हो, प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना। नॉलेजफुल बन यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो
आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बच जाएगा। इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। स्लोगन, सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। व्यक्ति इशारा, संगठन में दूसरे की गलती को अपनी गलती समझना, यह है संगठन को मजबूत करना। ये तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा। इसमें समाने की शक्ति भी जरूर चाहिए। देखा और सुना उसको बिल्कुल समा कर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की, एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे, तब कहेंगे परोपकारी आत्मा। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। ओम शांति।